रोली विंकलर उन बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स में से हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक जगह बनाई है, एक नाम बनाया है। ये अपनी अट्रैक्टिव बॉडी और इनक्रेडिबल साइज और बैलेंस की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। रोली एक डच बॉडी बिल्डर हैं जो 22 जून 1977 में कुर्सावा नामी आइलैंड में पैदा हुए। वक्त के साथ हॉलैंड शिफ्ट हो गए जहाँ उनका बचपन और जवानी गुजरी। जवानी में जिमनास्टिक और एरोबिक के चैंपियन रहे, बाद में फुटबॉल के इम्प्रेसिव परफॉर्मर भी रहे। वक्त के साथ साथ रोली ने बॉडी बिल्डिंग में कदम जमाने स्टार्ट किए और फिर जैसे सक्सेस ने उनका मुकद्दर बन गई। मैं अगर कहूँ कि सक्सेस विंकलर से इंस्पायर हो गई तो शायद गलत नहीं होगा। 2010 का न्यूयॉर्क प्रो टाइटल उन्होंने अपने नाम किया और फिर जैसे वो बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में बढ़ते ही चले गए। मैं इन्हें एक बहुत बेहतरीन, बेहद जहीन प्लेयर मानता हूँ, बॉडी बिल्डर मानता हूँ। विंकलर आज बहुत से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहे हैं और कर रहे हैं और जीतते जा रहे हैं मुसलसल। सक्सेस का सफ़र करते करते 2018 में रोली बॉडी बिल्डिंग के बिगेस्ट टाइटल मिस्टर ओलंपिया तक पहुँचे और थर्ड पोजिशन रही। विंकलर का साइज और मैसिव बॉडी ऐसी है कि टॉलेस्ट बॉडी बिल्डर भी 5'6" के इस शख्स के आगे कुछ भी नहीं है। इन्हें बेहतरीन फिटनेस ट्रेनर भी माना जाता है, जेनेटिक पोटेंशियल कंसीडर किया जाता भी है। मीडिया के मुताबिक रोली इस वक्त सिंगल है और रोली के 3 बच्चे हैं और जो इस वक्त एम्स्टरडैम में रिहाइश पजीर है। रोली को इस वक्त कुवैत में एक ऑक्सीजन नामी जिम के कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनके भाई भी क्विंसी एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर हैं। अगर मैं आपको इनकी कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो आप सुन के शॉक रह जाएंगे। रोनी विंकलर 2009 में एनपीसी आर्नल्ड अमेचर के फर्स्ट पोजीशन पर रहे। 2010 में आईएफबीबी न्यूयॉर्क प्रो जीता, जो भी फर्स्ट पोजीशन के साथ। 2010 आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया में पार्टिसिपेट किया लेकिन 14 पोजीशन पर रहे। 2010 आईएफबीबी ऑस्ट्रेलिया प्रो ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और थर्ड पोजीशन ली। 2010 आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक के 7th पोजीशन होल्डर थे। 2011 आईएफबीबी न्यूयॉर्क प्रो के 9th पोजीशन होल्डर थे। 2011 आईएफबीबी फिबो पावर प्रो जर्मनी में 3rd पोजीशन पर थे। 2011 आईएफबीबी मिस्टर यूरोप ग्रैंड प्रिक्स की 2nd पोजीशन पर रहे। 2011 आईएफबीबी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की 2nd पोजीशन पर रहे। 2011 आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक की 8th पोजीशन पर रहे। 2012 में आईएफबीबी यूरोपा सुपर शो में 4th पोजीशन पर रहे। 2012 आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक यूरोप में 3rd पोजीशन पर रहे। 2012 आईएफबीबी टैंपा बे प्रो में 4th पोजीशन पर रहे। 2012 आईएफबीबी प्राग प्रो चैंपियनशिप में 8th पोजीशन पर रहे। 2012 आईएफबीबी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में 6th पोजीशन थी। 2012 आईएफबीबी शेरू क्लासिक एशियन ग्रैंड प्रिक्स प्रो में इन्होंने 4th पोजीशन ली थी। 2012 आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया 12th पोजीशन पर रहे। 2013 आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक यूरोप में 6th पोजीशन पर थे। 2013 में इन्होंने आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया 7th पोजीशन पर जीता। 2013 आईएफबीबी शिकागो प्रो के 1st पोजीशन पर रहे। 2014 में आईएफबीबी नॉर्डिक प्रो के 1st पोजीशन पर थे। 2014 में आईएफबीबी सैन मरीनो प्रो की 4th पोजीशन थी। 2014 आईएफबीबी ईविल्स प्रागो प्रो के 4th पोजीशन पे थे। 2014 आईएफबीबी दुबई प्रो के 3rd पोजीशन पर थे। 2014 आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक यूरोप के 5th पोजीशन थी। 2014 आईएफबीबी प्रो ओलंपिया के 12th पोजीशन पर थे। 2014 आईएफबीबी विंग्स ऑफ स्ट्रेंथ शिकागो प्रो के 1st पोजीशन पर थे। 2015 में आईएफबीबी नॉर्डिक प्रो 2nd पोजीशन पर रहे। 2015 में आईएफबीबी ईविल्स प्रागो प्रो की 6th पोजीशन पर थे। 2015 में आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक यूरोप की 5th पोजीशन पर रहे। 2015 आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया 7th पोजीशन पर रहे। 2015 आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया की 6th पोजीशन पर रहे। 2015 में आईएफबीबी आर्नल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल की 6th पोजीशन पर रहे। 2016 में आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया की 6th पोजीशन पर रहे। 2017 में आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक यूरोप की 4th पोजीशन पर रहे। 2017 में आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया 6th पोजीशन थी। 2017 आईएफबीबी ईविल्स प्रो 1st पोजीशन पर थे। 2018 आईएफबीबी आर्नल्ड क्लासिक ओहियो
फोर्थ पोजीशन पे थे। 2018 IFBB आर्नल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट पोजीशन थी। 2018 IFBB मिस्टर ओलंपिया की थर्ड पोजीशन थी, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इनके लिए। 2018 IFBB US प्रागो प्रो